समय ना किसी के लिए रुका है ना कभी रुकेगा। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ इतना है कि हम समय के साथ चल सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बी अलर्ट एवरी वन, टाइम इज गोइंग। हेलो एवरी वन, दिस इज तनुष्का। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ बिकॉज मुझे हेडेक हो रहा था लास्ट नाइट, बहुत भयंकर वाला। आई डोंट नो व्हाई डज हैपन विद मी कि मेरा हेडेक ऐसे ही होता है, नहीं होता तो बहुत भयंकर। तो लास्ट नाइट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल उठ के बैठ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द हो रहा था। फिर मैं सोई एंड आई वाज लाइक मॉर्निंग में कि ठीक है आराम कर लेती हूँ, ताकि दिमाग ठीक रहता ना तो सब कुछ ठीक लगता है, दिमाग ही नहीं ठीक रहता ना तो फिर कुछ भी ठीक नहीं लगता, ऐसा लगता है नथिंग इज़ गोइंग वेल। सो बस उठ गई थी मैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया था, फिर शावर लिया था एंड हेयर आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट, जो भी चीज़ें करनी है आज। और आज का ना सिर्फ और सिर्फ मेरा एक टारगेट होगा, दैट इज़ लक्ष्मीकांत पढ़ना है मुझे। एंड होल डे मुझे लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है DPSP वो कंप्लीट करना है बाय टुडे एनी हाउ, क्योंकि अब मुझे ना चैप्टर्स को कंप्लीट करने में फोकस करना होगा। ऑफकोर्स फ्रेंड्स, समझ समझ के चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब टाइम मतलब जा रहा है, अभी मई है, इवन आज 10th मई है, धीरे धीरे फिर अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर कुछ फिर पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें ही अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप करना होगा। अदरवाइज़ टाइम का क्या है, टाइम विल नॉट वेट फॉर अस, टाइम विल गो एंड टाइम इज़ गोइंग, इट्स बिटर ट्रुथ। तो इस वजह से अब प्रिपरेशन मुझे बहुत स्पीड अप करनी है और आज मुझे ख़त्म करना है ये चैप्टर, इसके बाद फिर रात में मैं पढ़ूंगी स्पेक्ट्रम। हाँ, चीज़ों को करने में टाइम लगता है, मुझे तो स्पेशली फ्रेंड लगता है बिकॉज मैं थोड़ी सी स्लो हूँ, स्लो रीडर स्लो राइटर जो भी कह लो, तो मुझे चीज़ों को ना ग्रैस्प अप करने में टाइम लगता है, विच आई अग्री, क्योंकि ठीक भी है समझ में आ जाए चीज़ें, ये ज़्यादा मैटर करती हैं। और कभी कभी थोड़ा सा लगता भी है कि मुझे चीज़ें लेट में क्यों समझ में आती है, बट इट्स ऑल राइट, अब जो है सो है, इट इज़ वॉट इट इज़, सो इसे एक्सेप्ट करते हैं एंड इसी के साथ पढ़ाई करते हैं। तो अभी बस मैं फ़ोन में लेक्चर सर्च कर रही थी कि मुझे कौन सा लेक्चर देखना है, तो आपको मैंने बताया था ना कि सर की ये प्लेलिस्ट है हर्षित द्विवेदी सर की, जिनसे कि मैं पढ़ती हूँ पॉलिटी, तो प्लेलिस्ट में ना सारे उन्होंने वीडियोज़ सब अपलोडेड है फ्रेंड्स, दीज वीडियोज़ आर ऑफ 2-3 ईयर्स ओल्ड, तो आप देख सकते हो इसको, ये देखो। तो जो मुझे पढ़ना था मैंने उसे क्लिक कर लिया है, पढ़ ही रही थी कि मम्मी ने बोला हलवा खा लो फिर पढ़ो, तो बस हलवा खा के थोड़ा सा अभी मैं पढ़ना शुरू करूँ। वैसे मुझे हलवा पसंद नहीं, मतलब मीठा मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है, तीखा भी नहीं पसंद है मुझे, ना न्यूट्रल चीज़ें पसंद है जो बस नमकीन भी हो थोड़ी सी मीठी भी हो। एनीवेज जोक्स अपार्ट, अभी चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे ना मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, मैं देख रही थी कि कितने ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे मुझे, मतलब पढ़ती भी रहती हूँ तो हेयर फॉल क्या ही बताऊँ, बहुत हेयर फॉल होते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले करना है कि NCERT पढ़ना शुरू कर देना है, सिलेबस से हमको नोट्स बनाने शुरू कर देना है, ये डाउट सबको बहुत रहता है, इवन मुझे भी था व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, बट आई केम टू कंक्लूजन कि नहीं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो अगर आप लोग भी अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में हो ना फ्रेंड्स, इफ़ यू आर बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, तो सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बिकॉज यू शुड हैव अ बेस कि क्वेश्चन आता किस टाइप का है। इफ़ यू वुड बी नॉट नोइंग कि यार क्वेश्चन कैसा आएगा, देन हाउ वुड यू एबल टू प्रिपेयर। सो यस, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। डोंट गो फॉर यू नो NCERT, जस्ट डोंट जंप इनटू दैट कि बस अब शुरू कर रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट है अंदर तो बस शुरू ही कर दिया NCERT ये लक्ष्मीकांत, नहीं, पहले बेस बनने दो, अपना बेस बनाओ, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, देखो समझो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर जाके कहीं आप NCERT से शुरू कर सकते हो। वो भी अगर आपके पास टाइम है तभी NCERT पढ़ना, अदरवाइज़ रेफरेंसेस बुक्स आर इनफ, ओनली सम NCERTs आर देयर विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नो ऑल दोज NCERTs फ्रॉम 6th to 12th, यू डू नॉट हैव टू रीड ऑल दोज, बिकॉज आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, एंड दूसरा अगर चीज़ें हो जा रही हैं, अगर जो रेफरेंस बुक है उसमें भी चीज़ें दी हुई हैं NCERT की, देन वाई यू हैव टू डू डबल हार्ड वर्क, राइट, थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स। तो बस अपना स्लॉट करके मैं आ गई थी किचन में अपना लंच लेने, तो अभी प्रॉपर बैठ के यू नो आधे घंटे आराम से खाऊंगी एंड कुछ वीडियोस वगैरह देख लूँगी यूट्यूब पे, जिससे कि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। तो बस खाना वाना खा के अभी मैं आ चुकी हूँ वापस से अपने स्टडी टेबल पे, और अभी शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे मैंने रिज्यूम किया था। सो यार, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड मैं आप सब लोगों के साथ ना अपनी बुक भी शेयर कर दूंगी, जिससे कि मैं पढ़ती हूँ और पढ़ रही हूँ, एंड
मे बी मैं आपके साथ कल शेयर करूँ या फिर डे आफ्टर टुमारो, बट शेयर जरूर करूँगी बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, दीदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, पहले पढ़े बाद में पढ़े, पहले NCERT पढ़े, तो बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं ना इस रिलेटेड। तो यस, कल मैं आपको बुक बता दूँगी या फिर परसों जैसा भी हो जाए आपको बुक बता दूँगी, इससे ना आपको ईजी हो जाएगा कि हाँ आप बुक से पढ़ लोगे, अदरवाइज वेबसाइट पर जाके देखो फिर उसको PDF बना के रख लो अपने लैपटॉप कंप्यूटर आईपैड में, तो उससे ज़्यादा ठीक है कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो आपके पास हो और आप कभी भी पढ़ सको, राइट। सो अभी मैं DPSP कर रही थी एंड अभी लास्ट 4 पेजेस बचे, फाइनली इट इज़ अबाउट टू बी कम्प्लीटेड एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पी रही थी रिलैक्स फील करके अपनी चेयर से साइड होके थोड़ा, बिकॉज बैठे बैठे ना नींद आपकी पूरी भी है ना तो भी आपको नींद आने लगती है, यू फील लाइक स्लीपी, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा टेबल से दूर हटके पानी पी रही थी एंड मैप्स देख रही थी। एंड मैप को तो पढ़े बहुत दिन हो गया फ्रेंड्स, मतलब ऐसे मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ सोने से पहले 5 मिनट सोने के उठने के बाद, मतलब जब रूम में आती हूँ, बट प्रॉपर ज्योग्राफी मैं काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ी हूँ, पढ़ूँगी इस टाइम, थोड़ा मेरा प्रेफरेंस चल रहा है पॉलिटी, तो कर ही लेते हैं अब कर रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इन ज्योग्राफीज़ केस ना मेरा जो नोट्स है ज्योग्राफी का वो प्रॉपर प्रिपेयर है, बना हुआ है, तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी की उतनी टेंशन नहीं है, पढ़ना है मुझे प्रिलिम्स ओरिएंटेड तो वो मैं पढ़ूंगी आफ्टर सम टाइम, सोसाइटी की भी नोट्स मेरे रेडी हैं, तो जो जो चीज़ें रेडी हैं उनके पीछे नो टाइम देना, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, आप हर चीज़ों को प्रॉपर बैलेंस करके चलना, हर चीज़ों को हर सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, राइट। तो जब ज्योग्राफी हुआ है आई नो, तो फिर पॉलिटी की बारी है, हिस्ट्री की बारी है, हिस्ट्री भी हुआ है वैसे, हिस्ट्री की बारी है, पॉलिटी की बारी है, इकोनॉमिक्स की बारी है, एग्रीकल्चर की बारी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे सबको देखना है। एंड अभी बारी है यस, ये लूजन की बुक है, इसमें ना काफ़ी अच्छे से जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको डिवाइड करके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं नोट्स बना रही हूँ तो इनसे बना लूँ शायद हेल्पफुल हो, बट नहीं, मैं नोट्स खुद से बनाऊँगी। एंड अभी ना आज तो मैं बता रही हूँ, मैं आज पूरे दिन मोटिवेटेड थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब मन नहीं लग रहा है ब्ला ब्ला, आज पूरे दिन मैं अच्छा खासा पढ़ी, काफ़ी टाइम भी दिया मैंने स्टडीज़ को आज, बिकॉज इनसाइड माय हार्ट आई नो कि टाइम इज़ गोइंग, तो अब नहीं कर सकते हैं ऐसा कि कुछ हमें ही फिर इससे रिग्रेट फील करना हुआ, इस वजह से अब तो करना होगा, पेन ऑफ डिसिप्लिन को सहना होगा, और वैसे भी पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट, वो जो रिग्रेट होता है ना दैट इज़ वेरी मच डेंजरस, इसलिए डिसिप्लिन इज़ बेटर, राइट। आई रियली होप फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग लगते होंगे, मे बी बहुत लोग आप लोग में से ये भी सोचते होंगे कि बस स्टडी रूम से शुरू होता है वीडियो, स्टडी रूम में ही ख़त्म हो जाता है, तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स मैं अब डेली बाहर तो घूमने जा नहीं सकती बिकॉज मेरा अभी जो मेन वर्क है वो है पढ़ाई, तो अभी तो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं, ऑफकोर्स एक एस्पिरेंट एक स्टूडेंट का ड्यूटी होता है, उसका वर्क है, और फिर अपने एम को पाना है तो उसके लिए तो खुद को स्टडी रूम में बंद रखना ही होगा ना, फिर एक बार तो बस जो चाहिए वो अचीव कर लो, फिर तो बहुत टाइम रहेगा, इन्जॉय करो जो करना है करो, बट अभी तो यस आपको मेरे ब्लॉग्स स्टडी रूम से ही मिलेंगे फ्रेंड्स, एंड ठीक भी है, यही आपको मोटिवेट भी करेगा पढ़ने के लिए और मुझे भी कि हाँ मैं पढ़ूँ। सो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, बाय।